आज बात उन चोरों की जिन्होंने मेरठ पुलिस के नाक में दम किया हुआ है। जी हां, पिछले कुछ महीनों से लगातार मेरठ में चोरी और डकैती हो रही है और उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है, यानी कि चोरों का काम करने का तरीका है, वो एक जैसा है। तरीका यह है कि वो उस दुकान, उस घर के बाहर एक सुरंग बनाते हैं और सुरंग से उस घर के अंदर घुसते हैं। अभी हाल ही में एक सुनहार की दुकान में इसी तरह से चोरी हुई है। उसके दुकान के आगे नाला बहता था, नाला के नीचे से उन चोरों ने 10 फीट गहरी सुरंग को खोदा, दुकान के शटर के अंदर उस सुरंग को निकला रास्ता और वहां से उन्होंने चोरी की, जेवर उठाए, नकद उठाए और वहां से रफू चक्कर हो गए। अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझे इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। अभी हम बात टनल से चोरी करने वाले, यानी कि सुरंग के द्वारा चोरी करने वाले चोरों की बात कर रहे हैं, वो भी जिला यूपी के जिला मेरठ की। अभी पिछले कुछ महीनों से लगातार 4 चोरी की वारदातें जो अंजाम हुई है, जिससे वहाँ का व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान है, आक्रोश में है, क्रोधित है। चोरों का जो चोरी करने का तरीका है वो मैंने बताया है कि वो सुरंग को खोदते हैं, सुरंग को खोद के उस जगह तक जाते हैं और चोरी करके आराम से निकल जाते हैं। ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि कैसे कोई इंसान चलती फिरती सड़कों के नीचे सुरंग का काम चल रहा है और किसी को भनक नहीं पड़ती। इससे पहले भी एक चोरी हुई थी, तो उस चोरी में तो एक चोर पूरा नोट भी लिख कर गया था कि उसने माफ़ी मांगी थी कि ये चोरी हम अपने नाम के लिए कर रहे हैं। ऐसा उसने एक चोरी की जगह पर एक स्टिकर लगा दिया था, लेकिन चोर पकड़े नहीं गए। अब हम जो बात आपको करेंगे कि वो सुरंग बनाकर, टनल बनाकर चोरी करने का तरीका काफ़ी पुराना है। हरियाणा में 125 फीट गहरी सुरंग खोदी गई थी और अगर दिल्ली की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक से कई लॉकर चोरी हुए थे इसी सुरंग के तहत। लेकिन जो सबसे चर्चित केस है वो 2007 का है, चेल्म ब्रेक केरला का। जी हाँ, यहाँ पर एक बैंक था। ये बैंक की डकैती काफ़ी चर्चा में रही क्योंकि इसका जो तरीका था वो एकदम ही अलग किस्म का था। बैंक फर्स्ट फ्लोर पर था, पहली मंजिल पर था। उसके नीचे की जगह 4 लोग 1 लाख रुपए एडवांस देकर खरीदते हैं और वो ये बताते हैं कि हम यहाँ पर रेस्टोरेंट खोलेंगे जिसमें सब खाने को सर्व किया जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट खोलना एक बहाना था, उनका असली इरादा कुछ और था। वो अपने जो दुकान खरीदते हैं बैंक के नीचे, उसका शटर बंद करते हैं और उसमें लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए आप लोगों का आना जाना या दखल देना थोड़ा वर्जित है। और यहीं से वो अपना टनल बनाने का कार्य शुरू करते हैं। कहते हैं कि बहुत इनका एक आदमी ऊपर बैंक में रैकी करने जाता था और देखता था कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कैश कहाँ रखा जाता है, लॉकर रूम कहाँ पर है, उसको और उसको वो किस तरह से टारगेट करता था, किस तरह से पहचानता था। वो अपने कदमों के स्टेप, यानी कि कितने कदम दूरी है, अगर बैंक का एंट्रेंस यहाँ पर है और लॉकर रूम यहाँ पर है, तो इसके बीच वो काउंट करते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या 12, 13, 14, 15। यानी कि 15 कदम की दूरी से अगर आप एंट्रेंस का लेंगे तो यहाँ पे लॉकर रूम है। अब ये नीचे आके उसी तरह से नक्शा बनाते थे और वही कदम चल के उस जगह पर पहुँचते थे। इसीलिए वो सीधे, जब उन्होंने टनल बनाई तो सीधे वो लॉकर रूम में पहुँचे। वहाँ पे गैस मशीन का भी इस्तेमाल हुआ जिससे उन्होंने वो लॉक तोड़े और पैसे लेकर आए। कहते हैं 80 करोड़ की ये डकैती थी और इसमें पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान था कि कहते हैं बहुत जल्दी पुलिस ने इस चोरी को क्रैक किया और जोसेफ नाम का जो व्यक्ति था वो पकड़ा गया। इस पे काफ़ी फिल्म भी बनी है, सीरियल भी बने हैं। हमने भी सावधान इंडिया में इसका एपिसोड किया था, काफ़ी चैलेंजिंग था। चैनल के राइटर ने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, थोड़ा प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिफ़िकल्टी थी, स्क्रीन प्ले काफ़ी लंबा था और कई CD, उससे पहले कई CD इस चीज़ को ट्राई कर चुके थे लेकिन सब ने मना कर दिया था क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट, जब हम लोग टीवी के स्क्रीन पे करते हैं तो हमारा नियमित बजट होता है, नियमित टाइम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस बजट के अंदर उसको करना होता है। इसी के चलते मैंने राइटर से बात की कि भाई ये स्क्रीन प्ले तो सही है, अच्छा है, लेकिन ये हमारी ज़रूरत, हमारी जो आवश्यकता है, हमें जो दिखाना है, जो हमारा टाइम फ्रेम है, जो हमारा बजट है, उस पे नहीं जा रहा है। राइटर से मेरी बात से सहमत होता है और हम लोग एक नया स्क्रीन प्ले ड्राफ्ट करते हैं। इसके निर्देशक प्रसन्ना शेट्टी थे, डीओपी रणविजय सिंह थे, जिन्होंने बहुत खूबी काम किया। चंदन राय और शरद सोनू ने बहुत अच्छे अभिनय किया और ये बहुत अच्छा बनकर आया। इसमें थोड़ा बजट ऊपर नीचे हुआ जिसके मारे काफ़ी चैलेंजेस था, तो एक चुनौती भी थी क्योंकि चैनल इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि स्क्रीन प्ले क्रिएटिव डायरेक्टर ने बदलवा दिया था। तो ये ज़रा सा भी ऊंच नीच होता तो सारा बाण मुझ पे पड़ते। लेकिन जब रेटिंग आई तो रेटिंग इसने 1 क्रॉस किया। 1 रेटिंग बहुत बड़ी मानी जाती है। टाइम स्पेंड भी 25-26 के करीब, 23 से 25 के करीब आया था, जो बहुत अच्छा होता था और जनता ने इसको बहुत पसंद किया। इस तरह की चीज़ें हुई हैं। ये डकैती काफ़ी चर्चित रही थी, तो आज भी वो हो रहा है। ये मॉडस ऑपरेंडी है, काफ़ी पुराना है। पुलिस को थोड़े सतर्कता प्रशासन को कहानी पड़ेगी और चोर जल्द पकड़े जाएंगे। इसी तरह की कहानियाँ, असली कहानियों को फिक्शन के रूप में जो बदला गया है, ये मैं आपको बताता रहूँगा। आप इंडिया लाइफ के साथ जुड़े रहिए और खबरें, कहानियाँ, किस्से, हकीकत, वो हकीकतें जो आपको गूगल से सर्च करके नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर अनुभव है और अनुभव ही सबसे बड़ा होता है। नमस्कार।